हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ करण प्रताप, आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग। और आप लोग सोच रहे हो मैं रात में आज ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ। करीब 10 बज रहे हैं, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को किसी मतलब मेरे गांव में कुछ लड़के रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, बोल रहे हैं तो ब्लॉग शूट करता है गाँव के, एंड रात में इस जगह पर जाके देख तो वहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ मतलब आत्मा जैसी चीज़ मिलती है। तो मैंने उससे बोला भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर तू कह रहा है जाके देख लूँगा, जाके देखने में कुछ नहीं जाता है। तो उसने बोला एक ऐप भी तुम डाउनलोड कर लो, उससे क्या होता है कोई भी अगर नेगेटिव चीज़ आसपास होती है तो उससे पता चल जाता है। तो मैंने वो भी डाउनलोड कर लिया, लेकिन मेरे को ये सब फेक लगता है क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप लोगों से यही बोलूँगा कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम रात में आए हैं इधर, हम पूरा दिखा देते हैं, अंधेरा ही अंधेरा टाइप का है। तो ये कुछ अजीब जगह, ज़्यादा अजीब जगह नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी थोड़ी बहुत देर रुकते हैं एंड आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अभी हम चलते हैं थोड़ी बहुत कहीं बैठने की, पहले हम जगह देखते हैं उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आ जाइए, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, अपना ये माइक निकाल देते हैं, आ जाइए। तो ज़्यादा दूर तो हम नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा इधर ही बैठ जाते हैं, उधर हमने बाइक खड़ी कर रखी अपनी, एंड बैठते हैं यहाँ पर, देखते हैं। हमने ऐप भी डाउनलोड कर रखा है, अगर ऐप की हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम ऐप भी चला लेंगे। वैसे मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है, हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो। आपको कुछ लग रहा है मामा? थोड़ा थोड़ा है। हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये ऐप डाउनलोड किया है, गोस्ट डिटेक्टर। इससे हम पता करेंगे अगर मेरे आसपास कोई नेगेटिव चीज़ है या नहीं है। तो पहले हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मामा से कहूँगा मेरे फ़ोन की तरफ नज़र डालें, ज़रा थोड़ा सा इधर करके दिखा दें। तो ये जो मेरा फ़ोन आप देख पा रहे हैं, लाइट जल रही है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा साफ। तो मैं ये इस ऐप को पहले डाउनलोड कर चालू कर लेता हूँ। तो जो ये ऐप है मैंने इसको चालू कर लिया, गोस्ट डिटेक्टर लिख के आ रहा है इधर, एंड नीचे आ गया स्टार्ट का ऑप्शन, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे मेरे को ऐसी कुछ चीज़ दिखती तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन कहा जाता है अपना चेक करने में। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हमको कुछ दिखता है नहीं। अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को शायद से अपनी फ़ोन की लाइट बंद करनी चाहिए पहले तो, एंड अब देखते हैं। तो अभी भी मेरे को कुछ खास ज़्यादा कोई नहीं दिख रहा इधर। इधर सिग्नल थोड़ा मैच हुआ, अभी क्या उस जगह से हम थोड़ी सी दूर आ गए हैं क्योंकि उस जगह काफ़ी अंधेरा था और मेरे को काफ़ी डर लग रहा था, एंड वो जगह कब्रिस्तान के पास थी, इसलिए तो मैं वहाँ से भी थोड़ा दूर आ गया। और मेरे जो साथी, मेरे मामा, मेरे कैमरामैन थे, वो जा चुके हैं, एंड कोई नहीं। अब मैं इस जगह पर आया, यहाँ पर इस ऐप की हम टेस्ट करेंगे, ये ऐप जो है सच बताता है या झूठ बताता है, क्या बताता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस ऐप को, हम दिखाते हैं क्या होता है। अभी हमने इस ऐप को स्टार्ट कर लिया, अब आपको बैकग्राउंड हम दिखा देते हैं इधर। ये जो ऐप है चालू हो चुका है, इसको हम धीरे धीरे घुमा देते हैं इधर से। वैसे सामने वाला घर है, इसमें तो 101% कोई एक्टिविटी रहती है, लेकिन यहाँ भी नहीं दिखा रहा है। देखते हैं घुमा घुमा के, बट मैं उस जगह से थोड़ी सी दूर आ गया हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर। अभी तक मेरे को कुछ दिखा नहीं है, यानी कि ये जो बात है, ये जो ऐप है फेक है, और ये फेक होता भी है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर होता तो आज तक हमको पता चलता। तो सिग्नल मैच हुआ, मेरा आप लोगों से यही कहना है, किन बातों में ना आए। सामने देख सकते हैं खंडर टाइप का, ये मतलब जहाँ पर हमें खंडर का एरिया है, ये महल है, खंडर बन चुका पूरा। हालत आपको देख के लग रही होगी सामने वाला ये। एंड चलिए हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखो, ये 101% फेक है, अभी आपने देखा, एंड गायब हो गया, वो जो भी था वो गायब हो गया। तो ये जो ऐप है ये मेरे को फेक लगा, एंड जो लोग बातें बोल रहे थे वो भी मेरे को फेक लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, उसने एक परछाई टाइप की दिखाई थी, अभी आप लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो कैसे मान लूँ भाई वो रियल है।
ये तो मैं फेक मानता हूँ, ठीक है। एंड काफ़ी लोग बोलेंगे भाई तू ब्लॉग फेक बनाया ये वाला, तो मैं ब्लॉग फेक नहीं बनाया, मैं कि सच्चाई पता लगाने के लिए आया था, ऐसा कुछ होता है नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने सच्चाई जान ली है। एंड गोस्ट डिटेक्टर भी हमने यूज कर लिया, पूरी सच्चाई जान ली, और पीछे खंडर टाइप का भी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब आत्माएं वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब फेक बातें होती हैं। तो सो जाइए, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।